उत्तर प्रदेश के विधि और न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा बसपा गठबंधन को लेकर कहा कि इन्हें जनता नकार चुकी है। साथ उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने वाली है। वहीं उन्होंने सपा और बसपा को नीति विहीन और एजेंडाहीन दल की संज्ञा दी। सूबे के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक आज हमारे साथ हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि क्या कहेंगे ये सपा और बसपा के गठबंधन पर। सपा बसपा गठबंधन हो गया है, तेजस्वी यादव भी बिहार से चल के आ गए हैं, क्या कहेंगे? ये चुके हुए लोग हैं, ना इनके पास नीति है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई कार्यक्रम है। जब उत्तर प्रदेश और देश के जनमानस ने इन दलों को नकार दिया तो सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 50% से अधिक वोट पाकर के 73 के बजाय 74 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी और देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। ठीक है, एक चीज रायबरेली और अमेठी की बात करें, ये दो सीटें उन्होंने भी छोड़ दी है। अब ये फाइनल हो गया है कि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला होगा। अमेठी में स्मृति जी फाइनल है, रायबरेली के लिए आप लोग क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे? जब चुनाव आता है तो कैंडिडेट तभी सामने आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले जो घोषित हैं वो बदल भी जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको घोषित करती है उसी को चुनाव लड़ाएगी और शीघ्र ही जब समय आएगा कैंडिडेट का नाम आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने बताया कि कैंडिडेट का नाम रायबरेली में भी समय से ही घोषित होगा। इनके दावे के अनुसार जिताऊ कैंडिडेट सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी खड़ा करेगी।